हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करना सीखें। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन दो प्रकार से की जाती है, एक आईपी सिस्टम के द्वारा और एनालॉग सिस्टम के द्वारा। आज हम लोग एनालॉग सिस्टम के द्वारा करना सीखेंगे। सबसे पहले एनालॉग सिस्टम में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे उसके बारे में सीखेंगे और एनालॉग सिस्टम के कनेक्शन करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HDMI केबल। HDMI केबल मॉनिटर को DVR से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। फिर देखेंगे हम 12 वोल्ट DC कनेक्टर को। 12 वोल्ट DC कनेक्टर, ये इसको हम कैमरा में सप्लाई देने के लिए यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल को कैमरा और DVR में कनेक्ट करने के लिए BNC कनेक्टर का यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कॉपर 3+1 CCTV केबल के बारे में। ये 3+1 CCTV केबल में एक अपना कोएक्सियल केबल होती है, प्लस दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई होती है और एक अपना ऑडियो के लिए होती है। कैमरा हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हमने एनालॉग डोम कैमरा का इंस्टॉलेशन करेंगे। अब आते हैं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, मतलब DVR। एनालॉग CCTV सिस्टम में हम लोग DVR का उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं SMPS। SMPS से हम AC से DC में कन्वर्ट करते हैं, कैमरा को DC सप्लाई देते हैं। अब आता है अपना DVR एडॉप्टर। ये DVR को ऑपरेट करने के लिए, मतलब उसमें सप्लाई देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है अपना मॉनिटर। मॉनिटर हम यूज करते हैं जो वीडियो चल रही है, मतलब CCTV कैमरा में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो चल रही होती है, उसे हम लाइव देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं टूल्स के बारे में। टूल्स में आता है अपना वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर से हम लोग केबल को छीलते हैं, मतलब उसकी जो जैकेट होती है उसकी जैकेट को निकालने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। स्क्रू ड्राइवर हम लोग नॉर्मली स्क्रू टाइट करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल टेप के बारे में। इलेक्ट्रिकल टेप अपना जॉइंट्स जो करेंगे उन जॉइंट्स को ऊपर से इंसुलेटेड करने के लिए उपयोग किया जाता है। BNC कनेक्टर कनेक्शन के बारे में सीखते हैं। तो BNC कनेक्टर कनेक्शन कैसे करते हैं, ये हम वीडियो में देखते हैं। तो हम सबसे पहले वायर के जैकेट को वायर स्ट्रिपर के द्वारा निकालेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि अंदर का वायर कोई कट ना जाए। जैकेट निकालने के बाद इसमें चार वायर मिलते हैं, जिसमें से एक ब्लैक एंड रेड, येलो एंड ग्रीन निकलता है। रेड एंड ब्लैक जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए पावर सप्लाई में यूज किया जाता है, एंड येलो कलर का वायर को हम लोग ऑडियो के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन वायर को के इंसुलेशन को वायर स्टिपर के द्वारा निकालेंगे। इंसुलेशन निकालने के बाद इस पर कॉपर शील्ड निकलेगी। इसे जो कॉपर शील्ड है इसे निकाल के इसे ट्विस्ट कर लेंगे। एंड अब हम BNC कनेक्टर के इंसुलेशन निकालेंगे। इसमें दो वायर निकलते हैं, एक रेड एंड वाइट। हम वाइट वायर का इंसुलेशन निकाल के कॉपर शील्ड से कनेक्ट कर देंगे, तथा रेड वायर को ग्रीन वायर के जो मेन कंडक्टर वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। दोनों वायरों को अलग अलग रखना है, रेड एंड वाइट को आपस में टच नहीं होने चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। उसे अच्छे से कनेक्ट करने के बाद इस पर हम अब इलेक्ट्रिकल टेप लगाएंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद अब हम पावर सप्लाई पे एक 12 वोल्ट DC कनेक्टर लेंगे। उसको हम अपनी केबल के रेड एंड ब्लैक वायर के पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ब्लैक को ब्लैक के साथ एंड रेड को रेड के साथ। इनको अच्छे से कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें भी इलेक्ट्रिकल टेप लगा देंगे।
और अपने जो BNC कनेक्टर, इसको हम अपने केबल के दोनों साइड में कनेक्ट कर लेंगे। और ये अपना येलो वायर है, येलो वायर को छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि हमें IDO की ज़रूरत अभी नहीं है। BNC कनेक्टर लगाने के बाद हम अब दूसरी साइड में जो हमने पावर सप्लाई के केबल है, वायर है, मतलब रेड एंड ब्लैक, इन दोनों को SMPS में, रेड को पॉजिटिव में एंड ब्लैक को नेगेटिव में ज्वाइंट कर देंगे। अगर हम इसे लगा के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे स्पार्क ना हो। कनेक्शन लूज न रहे, और जिस तरह पावर सप्लाई दी है उधर का BNC कनेक्टर हम लोग DVR में कनेक्ट कर देंगे। DVR में पीछे फोर, इस DVR में फोर पॉइंट है, इसमें से एक किसी भी पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। और दूसरे साइड का BNC कनेक्टर हम कैमरा के BNC कनेक्टर पे दोनों को आपस कनेक्ट कर देंगे, एंड पावर सप्लाई का पावर सप्लाई वाले कनेक्टर में आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब हम HDMI केबल्स के द्वारा मॉनिटर को DVR में कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये देख लीजिए HDMI केबल कनेक्ट कर दी। अब इसे कनेक्ट करने के बाद अब हम सप्लाई देंगे इसमें। सबसे पहले DVR में DVR एडाप्टर के द्वारा सप्लाई दे रखी, एंड SMPS को ऑन कर दिया, उसमें भी सप्लाई दे दी। ये देखिए मॉनिटर भी ऑन हो चुका है। अब हम DVR में माउस को कनेक्ट करेंगे सेटिंग वगैरह करने के लिए। ये देखिए अब CCTV कैमरा का लाइव फुटेज डिस्प्ले में दिख रही है मॉनिटर के द्वारा। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद मेन मेन्यू खोल के उसमें सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च को क्लिक करेंगे तो हम अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये देखिए अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग दिख रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।